guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Oh my god, I am like doing this H&M haul after ages. बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है मैंने एक H&M का हॉल नहीं किया था. By the way, अगर मैं अपना कैमरा रोटेट कर दूं ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने H&M से कितना माल इकट्ठा कर लिया है. लिटरली मैंने इतने सारे कपड़े परचेज किए ना, और ये कपड़े आई थिंक कुछ 5-6 महीने से मैं इकट्ठे कर रही थी. लेकिन जो 5-6 महीने से इकट्ठे कर रही थी उनका हॉल नहीं होने वाला है. ये स्पेशली हॉल होने वाला है विंटर वेयर का. ऑब्वियसली अभी बिकॉज विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है तो विंटर सीजन के अकॉर्डिंगली ही हॉल बनाने के लिए यहाँ पे मैं प्रस्तुत हुई हूँ. आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को क्लिक किया है थंबनेल को देख के, बिकॉज इट इज अ विंटर हॉल From H&M. Okay, जी चलिए जल्दी से हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने फेवरेट कलर ऑफ दिस सीजन के बारे में. मतलब मैंने ना सोच लिया है इस बार ना मैं बहुत ज्यादा व्हाइट पहनने वाली हूँ, इस बार ना मैं बहुत ज्यादा बेज पहनने वाली हूँ, ना ही मैं ब्लैक कपड़े पहनने वाली हूँ सर्दियों में. अभी मैं ना थोड़े कलरफुल कपड़े पहनूंगी बिकॉज गर्मियों में आई डोंट लाइक सो मच ऑफ कलर्स इन माई वार्डरोब, एंड सर्दियों में आई जस्ट love experimenting with colors. This is my first sweater, sort of sweater ही है ये. jumper या pullover है? Yes, pullover है, knitted pullover है ये, beautiful pink color में, and turtle neck pullover है. You can see it looks very warm. अभी मैंने इसको पहन के नहीं देखा, however ये थोड़ा सा ये of course ये try on haul होने वाला है तो you will see कि ये कैसा लगता है मेरे ऊपर. ऑल्सो ये थोड़ा सा ओवर साइज टर्टल नेक निटेड जम्पर इन ब्यूटिफुल दिस ब्राइट पिंक कलर जो सर्दियों की डलनेस को मतलब गायब कर देगा. सो मेरा मेन मोटिव ही ये है कि सर्दियों में मैं थोड़े से डीपर शेड्स पहनूंगी, थोड़े ब्राइट कलर्स पहनूंगी लाइक दिस पिंक ओवर साइज पिंक कलर का नेटेड पुल ओवर जम्पर. उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है डिवाइडेड रेंज में से, जो H&M की रेंज है डिवाइडेड H&M की रेंज में से ये जम्पर स्वेटर. यू कैन सी दिस इज इन ब्यूटिफुल व्हाइट एंड लेवेंडर कलर में. यू कैन सी इसके ऊपर ऐसे फ्लावर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मतलब कलर है, बहुत ही अच्छी एक वाइब है इसकी अलग ही स्वेटर की. और ये थोड़ा क्रॉप्ड लुक में आता है लाइक जैसे हम हाई वेस्ट जीन्स पहनती हूँ मैं, उनके साथ ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है. यू कैन सी ऊपर की तरफ देखो, पीछे की तरफ एकदम प्लेन ऐसे व्हाइट कलर में है. स्लीव्स भी इसके ऐसे प्रिंट है पर्पल कलर का, लेवेंडर कलर का. यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही प्यारा है ये. इतना ज्यादा मैं ये इसका कपड़ा पकड़ के बता सकती हूँ कि काफी वार्म्थ ये देने वाला है. अगेन ये थोड़ा सा हाई नेक रहने वाला है, यू कैन सी राउंड एंड हाई नेक होने वाला है, बहुत ज्यादा मतलब छोटा वाला नेक नहीं है इसका, तो काफी अच्छा लगा मुझे. काफी गर्ली सी वाइब देता है, अगेन क्रॉप्ड है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. अब हम बात करेंगे एक ड्रेस के बारे में. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये वैसे तो बॉडीकॉन ड्रेस है ये, ऑफ शोल्डर, थोड़ा ऐसे स्टाइल भी आपको मिल जाएगा ऑफ शोल्डर. एल मैंने साइज लिया है, यूजली आई गो फॉर एल और एक्सएल. ठीक है, H&M स्पेसिफिकली समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई परचेज एल साइज बिकॉज काफी ज्यादा ओवर साइज कपड़े होते हैं H&M के, तो आई लाइक एल और एक्सएल. बहुत कम टाइम होता है जब मैं एक्सएल लेती हूँ, यूजली मैं एल ही प्रेफर करती हूँ. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ऐसे पाउडर ब्लू कलर की है, यू कैन सी. अच्छा, बहुत ज्यादा अगेन ये बहुत वार्म्थ आपको देगा ये ड्रेस बिकॉज बहुत ही ज्यादा काफी वार्म कपड़ा है इसका, काफी वार्म ऑब्वियसली निटेड ड्रेस है. मतलब एक तो स्टाइल मतलब ड्रेस की ड्रेस है ये सर्दियों में पहनने के लिए, एंड ऊपर से ऐसे एक ऑफ शोल्डर आपको वाइब मिल जाती है लाइक नेक के ऊपर थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा. मेरा चेहरा इतना येल्लो क्यों हो गया? I don't know, पता नहीं. Really like this beautiful powder blue color. Also बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देगी ये, और पूरा एकदम बॉडीकॉन इसके साथ लुक. ऑब्वियसली बॉडीकॉन ड्रेस है, बट हाँ इसके साथ ये भी है कि आप थोड़ा स्टॉकिंग पहन लोगे, इसके नीचे हाई हील हाई बूट्स पहन लोगे, लॉन्ग बूट्स पहन लोगे तो बहुत ही अच्छी एक आपकी लुक क्रिएट हो जाएगी. दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस ड्रेस. उसके बाद फिर से मैंने एक पिंक कलर का निटेड ये हाई नेक लिया है. ये स्पेशली मैंने लिया है जब हम
कोट्स वगैरह पहनते हैं, ओवर कोट्स पहनते हैं, डेनिम की जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, लाइक जब हम लेयरिंग करते हैं सर, रिबनेट वेस्ट टॉप यू कैन सी, मतलब इसको आप यू नो अंदर की तरफ पहन के ऊपर से लेयरिंग करो, व्हाइट कलर की जैकेट पहन लो या मतलब कोट्स वगैरह पहन लो, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, रिबनेट मटेरियल में है, यू कैन सी, एंड स्ट्रेचेबल है ऑफकोर्स, एंड या दिस इज एक, एंड पिंक कलर में है. मेरे पास पिंक कलर में नहीं था, ऑलरेडी मेरे पास ऐसा है एक, लेकिन वो थोड़ा सा यू नो वो हाई नेक भी है, टर्टल नेक में है, एंड वो ब्लैक कलर में है, एंड थोड़ा सा ज्यादा गर्म है इससे. इसके बाद है हमारे पास ये जंपर स्वेटर, विच इज इन दिस ब्राइट ऑरेंज कलर. यू कैन सी आई जस्ट लव दिस कलर. आई टोल्ड यू कि ये बहुत ज्यादा कलरफुल हॉल होने वाला है. इस बार मैंने सोच के रखा कि मैं सर्दियों में बहुत यू नो कलर्स पहनने वाली हूँ, अलग अलग कलर्स पहनने वाली हूँ. सो यस, आई जस्ट लव दिस, यू नो ये एक सॉलिड यू नो प्लेन स्वेटर है, बहुत ही ज्यादा यू नो डिसेंट लगता है, बहुत ही बेसिक है, बट एट द सेम टाइम कलर इसका बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा, ड्रामा एड ऑन करेगा, एंड यू नो एक वाइब एड ऑन करेगा सर्दियों में. सर्दियों का सीजन बहुत डल रहता है, बहुत जल्दी दिन छिप जाते हैं, सूरज बहुत जल्दी छिप जाता है, और हर टाइम बस कुछ खाने का, कुछ सोने का मन करता है, एंड हर चीज बड़ी डल दिखती है मुझे स्पेशली. सो इस वजह से आई थॉट कि मैं अच्छे ब्राइट कलर्स पिक कर लूँ, सो दैट मेरी जो सर्दियाँ हैं वो काफ़ी ब्राइट दिखें, काफ़ी यू नो गुजरे सर्दियाँ मेरी, काफ़ी यू नो कलरफुल चेयरफुल रहें. सो या तो ये था हमारा ऑरेंज कलर का पुल ओवर, एंड बहुत ज़्यादा अगेन ये काफ़ी वॉर्म्थ देने वाला मटेरियल है. यू कैन सी इट्स वेरी नाइस, एंड ऑल्सो सेम ही ऑरेंज कलर में, काफ़ी सेम कलर है ये रस्ट ऑरेंज कलर में, मैंने एक रिबनेट टॉप लिया है. यू कैन सी फुल स्लीव, यू कैन सी इसका नेकलाइन काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. यू कैन सी बहुत प्यारा एक मतलब इसका यू नो डीप नेक, आई वुड से बोलूँगी डीप नेक है इसका, और स्लीव्स के पास हल्का सा ऐसे यू नो कट दिया हुआ है. मुझे नहीं पता इसको टेक्निकली कैसे प्रोनाउंस करते हैं या कैसे बताते हैं, ठीक है. तो इस तरह का ये रिबनेट टॉप लिया है मैंने. यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. अगेन इसमें मैंने एल साइज ही लिया, यस एल साइज लिया है. टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है 1799 इसकी एमआरपी है, एंड यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर में आपको ये मिल जाता है. यू कैन सी पास में से इसका जो मटेरियल है कुछ इस तरह का है, और इसको ना आई थिंक ये आप सर्दियों में ही पहन सकते हो, गर्मियों में आप इसको नहीं पहन पाओगे बिकॉज ये काफी वार्म वाला मटेरियल है. इसका जो मटेरियल है ना, इसका जो फिनिशिंग है वो ऐसे बॉडी को हग करता है ना, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत अच्छी यू नो एकदम फ्लेक्सीबल सी दिखती है, हग करता है ना जैसे बॉडी को, ये तो बहुत अच्छी लुक आपकी निकल के आती है. अगेन आप इसके साथ यू नो हाई वेस्ट जीन्स पहनो, एंड बहुत ही अच्छा है ये कलर. इसका बहुत बहुत डिफरेंट है, लाइक मैंने ऐसे कलर सर्दियों में स्पेशली नहीं कभी पहने हैं. आई थिंक इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ इन सब कपड़ों को सर्दियों में पहन. ओके जी, अब H&M से परचेजिंग की जाए, ओवर साइज अगर आप यू नो स्वेटशर्ट नहीं लोगे तो कैसे चलेगा. तो यहाँ पे मैंने ना ये एल साइज में अगेन ये ब्यूटीफुल सी मरून कलर की स्वेटशर्ट ली है, काफी ओवर साइज है ये. तरफ इसके फ्लीस की यू नो मटेरियल लगा हुआ है, लुक एट दिस, यू कैन सी अंदर की तरफ ऐसे फ्लीस का मटेरियल है, तो जो आपका काफी ज्यादा यू नो वॉर्म्थ यू नो एड ऑन करेगा, यू नो वॉर्म्थ देगा आपकी बॉडी को. सो डेफिनेटली ये भी बहुत ही प्यारा कलर है इसके. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, थोड़ा सा यू नो टेक्स्टर्ड ओवरसाइज्ड, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत कैजुअल लुक भी आपकी बन जाती है, स्टिल यू लुक वेरी यू नो स्टाइलिश एज वेल. आई लव ब्लैक कलर, बट अभी तक आपने देखा होगा कि मेरे हॉल में अभी तक एक भी चीज़ ब्लैक नहीं आई थी, बट हेयर इट कम्स. मेरा एक ब्लैक पीस तो लेना बनता था, तो मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लैक कलर की जंपर स्वेटर. दिस इज टेडी जंपर स्वेटर जिप टॉप. यहाँ पे ना आपको नेक के टर्टल नेक इसका, आई थिंक हाई नेक बोल सकते हैं इसको, हाई नेक यू नो ये डिवाइडेड रेंज में से ही है. हाई नेक टेडी जैकेट है ये. यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप आपको मिल जाती है यहाँ पे सी, ठीक है, जिप के साथ आपको मिल जाता है. बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. दिस इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉफ्ट है. लेट मी शो यू, तीन यहाँ पे मैंने नाइट सूट्स लिए हैं. लेट मी शो यू फर्स्ट नाइट सूट.
ये तो ना स्पेशली मतलब क्रिसमस को ध्यान में रख के लिया मैंने, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास रेड कलर का कोई नाइट सूट है ही नहीं जिंदगी में, मैंने शायद रेड कलर का नाइट सूट कभी नहीं। सो यस, इस बार मैंने ये रेड कलर का नाइट सूट लिया है, यू कैन सी। इससे पहले भी मेरे पास ये ना चांद सितारों वाली मेरे पास थी, ब्लैक कलर का है मेरे पास नाइट सूट, H&M का ही लेगिंग सेट है वो, बट ये पजामा सेट है। तो पजामा ना पहनना काफी ईजी रहता है, बिकॉज मेरे जो बम है वो काफी ज्यादा हैवी है, मेरे जो थाइज है वो काफी ज्यादा हैवी है। तो समटाइम्स जब बाहर जाना होता ना तो लेगिंग्स में आई डोंट फील यू नो वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, क्योंकि क्रॉप टॉप इसके साथ मिलते हैं, शॉर्ट टॉप्स मिलते हैं, तो पजामे के साथ जो मेरे ये पट शर्ट है वो चिप जाते हैं, कवर हो जाते हैं। सो या आई फील कॉन्फिडेंट, यू नो आई फील, आई डोंट फील कि फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाई हाई मतलब कुछ दिख रहा है कुछ ऐसा। सो ये हो गया हमारा पजामा सेट फ्रॉम H&M, एंड पजामा सेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है XL, इसमें मैंने साइज लिया है, बिकॉज समटाइम्स ना जो बॉटम्स होते हैं ना तो मुझे कई बार टाइट हो जाते हैं, इस वजह से हमेशा मैं XL ही लेती हूँ, बिकॉज टी शर्ट लूज मैं चला लूंगी लेकिन पजामा टाइट अगर मैं L में ले लेती हूँ तो मुझसे नहीं चलता है, तो मुझे नहीं चलता है, इस वजह से ये मैंने पजामा सेट लिया है इन दिस ब्यूटिफुल क्रिसमस वाला कलर, एंड क्रिसमस की प्रॉपर वाइब है, इसके ऊपर मून बने हैं, स्टार्स बने हुए हैं, एंड ये ना ऐसे रिब्ड मटेरियल में है, यू कैन सी, एंड इट्स नॉट वेरी यू नो वार्म नाइट सूट, बिकॉज मैं रात को मोटी नाइट सूट्स पहन के या वार्म वाले नाइट सूट्स पहन के आई कांट स्लीप। सो बाद आ जाता है एक बहुत ही सूदिंग सा नाइट सूट, यस दिस इज अ पजामा सेट अगेन, एंड दिस इज विथ दिस टॉप एंड पजामा, यू कैन सी चेक पजामा है इसके साथ, मैंने कभी चेक्ड पजामा भी नहीं ऐसा पहना, सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, एंड ये ना प्योर कॉटन में है, ठीक है, अभी भी मैं इसको पहन सकती हूँ, एंड सर्दियों में भी मैं पहन लेती हूँ, मैं लाइक आई टोल्ड यू कि मैं गर्म नाइट सूट्स पहन के नहीं सो सकती हूँ, बिकॉज ऊपर से रजाई लेके सोना होता है, सो मेरे को तो बहुत घुटन होती है। सो यस, यू कैन सी इसमें भी मैंने XL साइज लिया है, आई थिंक खुला डुला साइज मेरे को आ जाएगा, एंड दिस इज इन दिस यू नो चेक पैटर्न, बहुत ही ब्यूटिफुल है कलर इसका, एंड इसके साथ आपको ऐसे रिब्ड टॉप मिल जाता है, जिसको यू नो आप नाइट सूट के साथ ना भी पहनना चाहो तो जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, यू कैन सी दिस इज इन दिस ग्रे कलर, ठीक है, बहुत ही ब्यूटिफुल सा एकदम सॉलिड ये आपको टी शर्ट मिल जाती है, इसके साथ टॉप मिल जाता है, एंड उसी के साथ आपको ये पैजामा मिल जाता है, यू कैन सी दिस इज हाउ इट। मैंने एक और नाइट सूट लिया है, दिस इज माय वेरी फर्स्ट यू नो सैटिन नाइट सूट, मैंने आज से पहले इससे पहले कभी भी सैटिन के नाइट सूट्स नहीं पहने हैं, एंड दिस इज इन द कलर ब्लैक। अच्छा, मैंने बोला था कि एक ही कपड़ा लिया मैंने ब्लैक कलर का, बट ये मैंने अभी परचेज नहीं किया, ये मैंने बहुत आई थिंक 3-4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसको मैंने पहना नहीं था, बिकॉज गर्मियों में सैटिन कपड़ा नहीं पहना जाता, ऐसा सिल्क का मटेरियल जो है नहीं पहना जाता, लेकिन अभी तो परफेक्टली मैं पहन सकती हूँ इसको, बड़े आराम से पहन सकती हूँ। सो दिस इज इन दिस कलर ब्लैक, एंड ये सैटनी सॉफ्ट सिल्की मटेरियल में है, एंड ये आप देख सकते हैं इस तरह की यू नो शर्ट है, पजामा टॉप बोल सकते हैं इसको, टॉप है इसके साथ ऐसा फुल स्लीव ऑफ कोर्स, एंड ये बहुत ही अच्छा नाइट सूट है, ऐसा नाइट सूट मैंने कभी नहीं पहना, बहुत ही यू नो अमीरो वाला नाइट सूट मैं इसको बोलूंगी, यस ये अमीरो वाला नाइट सूट, अमीर ऐसे पहनते ना फिल्मों में दिखाते ना मूवीज में कि जो सबसे ज्यादा रिच रहता है या बहुत अमीर रहता है तो वो सिल्क ऐसे सैटिन के नाइट सूट्स पहनता है, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ नाइट सूट। That's it for today's video, guys. I hope आप लोगों के लिए ये मेरा H&M का हॉल वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा, आपको मेरा H&M का हॉल वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इफ यू आर XL और L साइज बॉडी देन आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ईजी है, बहुत सस्ते में है, इनफैक्ट फ्री है सब चीजें, तो प्लीज करके जाना, एंड प्लीज प्यारा सा कॉमेंट भी छोड़ के जाना, और कोई शिकायत है वो भी आप नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। I will meet you in my next one. Till then, bye and take care. Bye bye.